डीग रोड पर गोवर्धन बाईपास के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 10 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दरअसल गोवर्धन की ओर से तेज गति में आ रही बुलेरो अनियंत्रित होकर डी गेट की तरफ आ रहे टेम्पो में जा घुसी। आमने सामने की भिड़ंत में टेम्पो में सवार करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं बुलेरो में सवार 10 वर्षीय गुंजन निवासी मथुरा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन पहुंचाया, जहां से उन्हें गंभीर होने पर मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मृत बच्ची को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा जानकारी दी गई। कहाँ के रहने वाले, क्या घटना हुई आपके साथ? ये नेम गांव के रहने वाले हैं, मथुरा रहते हैं। ये बात देख आए थे गाड़ी, अच्छा, डीप के पास। अच्छा, और लौटते समय ये हुआ हादसा। किस किस से हुआ था ये हादसा? ये बोलेरो गाड़ी है। और ये किस में जा रहे थे? ये इधर से जा रहे थे या उधर से आ रहे थे? डीप से लौट के आ रहे थे। वो मथुरा की तरफ, वो डीप की तरफ जा रही थी गाड़ी, तो वो पकड़ में आई। वो वही खड़ी गाड़ी पंचर कर दी सारी। अच्छा अच्छा, कितने लोगों, क्या हो गया है? अब पूरा परिवार एकदम, कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है? मतलब पूरे, मतलब 15-20 आदमी, मतलब 20 आदमी थे करीब। अच्छा, ये कह रहा हूँ, मेरा कहना मतलब किसी के ज्यादा चोट तो नहीं आई, गहरी चोट तो नहीं आई? खत्म हो गई ना, खत्म हो गई एक लड़की। क्या नाम है उसका? लालिक का नाम काफी गहरी चोट है। हाँ, अभी यहाँ पर गांठोली के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें टेम्पो सवार जो थे काफी घायल आए, जिनकी एक मैक से टक्कर हो गई, जिसमें ज्यादातर सब हाईवे थाने के इंद्रपुरी कॉलोनी के थे, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे, जिसमें 6 घायल आए हैं, तो जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। ठीक है, उसका नाम है गुंजन, 10-12 साल की है। पिता का सन ऑफ गोविंद, वो डॉटर ऑफ गोविंद।